नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मोल के ऊपर, यानी कि जो तेल आते हैं हमारे शरीर पे, अलग अलग शरीर के जो हिस्सों पे, जो हमें अलग अलग साइज के या अलग अलग शेप के जो तेल आते हैं उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग सिंपल भाषा में जो है वो समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो मोल है या फिर जो तिल है, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो क्यों होते हैं और पहले तो ये बनते कैसे हैं। तो अभी तक एक साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च जो है वो 100% अभी तक कंक्लूजन पे नहीं है ये, पर जो भी रिसर्च अभी तक हुई है उनसे जो कुछ मान्यता है, जो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, जो बातें उन्होंने अपने सामने लाई हैं, उससे कुछ चीजें उन्होंने समझाई हैं जिसके बारे में आज हम जो है वो समझने वाले हैं। कि जो स्किन रहती है, जैसे मैंने पहले के टॉपिक में क्लियर किया हुआ है, आप पहले के वीडियो देख सकते हैं, ये स्किन है वो तीन लेयर में डिवाइडेड रहती है। तो ऊपर की लेयर रहती है एपिडर्मिस, बीच की रहती है डर्मिस, नीचे की रहती है हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस रहती है उसके सबसे नीचे वाली लेयर जो रहती है इसे कहा जाता है बेजल लेयर, जो इसे कहा जाता है। तो इसे बेजल लेयर जैसे कहा जाता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो बेजल लेयर रहती है, इसी बेजल लेयर में एक मेलेनोसाइट नाम के सेल्स रहते हैं जिसके अंदर से मेलेनिन रिलीज होता है, जो कि हमारा कलर, हम गोरे होंगे या काले होंगे, वो डिसाइड होता है। तो वो जो मेलेनोसाइट्स रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, मतलब ये यहाँ पे एक गार्ड की तरह रहती है छोटी सी, एक जगह देख रहे थे एक सेल रहती है उसकी, और उसके ये डेंड्राइट्स रहते हैं, है ना, ये एक जो उसके ओपनिंग्स रहते हैं डेंड्राइट्स, वो डेंड्राइट्स ऊपर जाते हैं स्किन के ऊपर जो वो है, वहां पे मेलानिन जो है वो रिलीज करते हैं। वो मेलानिन क्या करता है कि जो हमारा कलर रहता है स्किन का, गोरा काला, वो डिसाइड करता है। और भी मैं डिटेल, अगर आपको समझना है कलर मेलानिन के बारे में, तो पहले का वीडियो जो है आप समझ सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल जानकारी दी है। तो ये जो मेलानोसाइट्स रहते हैं ये होते हैं प्रोलिफरेट, मल्टीप्लीकेशन इसका होता है जब बर्थ होता है, जब एक बच्चे का जो एक जन्म होता है, तो जन्म के दौरान ही या फिर जब जन्म होता है उसी वक्त जो है कुछ सेल्स जो है वो कंटिन्यूएशन मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। तो वो जो मेलानोसाइट्स हैं वो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पे वो इस तरीके से उनका एक मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये इस तरीके से जो धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये यहाँ पे कुछ सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होती है और वो इस तरीके से एक मोल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। फर्क क्या रहता है, जो कि मेलानोसाइट्स की जो ये डेंड्राइट्स रहती हैं वो इन मेलानोसाइट्स में नहीं रहती, एक अलग प्रकार की मेलानोसाइट्स बनाती हैं जो कि सिर्फ मेलानिन रिलीज करती हैं उसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर, मतलब वो सेल के अंदर ही, इतना ही पोर्शन, और ये प्रोलिफरेट होती है, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है इसका, तो एक प्रकार का इसका गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छे को जो है वो हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का मोल है या फिर एक प्रकार की जो तिल है हम लोग इसे मानते हैं। इसके अलग अलग शेप्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसे मेलानोसाइटिक नीवस जो है वो कहा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मेलानोसाइटिक मतलब जो मेलानिन से रिलेटेड जो एक नीवस है, नीवस का साइंटिफिक मतलब क्या होता है, एक प्रकार की ग्रोथ जो आपकी स्किन के ऊपर आई हुई है, वो चाहे किसी भी कलर का हो सकता है लेकिन स्किन कलर से डिफरेंट है, मतलब जो वो ग्रोथ हो रही है उसकी जो ग्रोथ का जो कलर है वो जो आपकी स्किन का कलर है उससे अलग रहेगा, या तो ब्राउन रहेगा, ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा, रेड, पिंक रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन स्किन कलर से मैच नहीं करेगा, उसे नीवस कहा जाता है या फिर नेवी जो है वो कहा जाता है। तो ये मेलानोसाइटिक नीवस है, मतलब मेलानोसाइट का जो है वो ग्रोथ है, एक्सेस ग्रोथ हो गया है स्किन के ऊपर, और जिसका जो कलर है वो स्किन कलर से हटके है, इसलिए इसे मेलानोसाइटिक नीवस भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसके अलग अलग जो प्रकार, जो अलग अलग जो रूप है वो समझ लेते हैं। एक तो इसे कॉमन जो है वो इसका मोल को जो माना जाता है, जो कि नॉर्मल बर्थ के दौरान जो कॉमन एक साइज रहती है, जो कि फ्लैट रहती है, ज्यादा उभरी हुई नहीं रहती है। तो शरीर में कई जगह पर जो है वो कॉमन जो है वो इस तरीके से होते हैं, जो कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं रहती है। ये एक सिर्फ सेल्स की ओवर ग्रोथ रहती है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है सेल की, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। एक प्रकार का कैंसर रहता है मेलानोमा, जो कि स्किन कैंसर का होता है, तो ये टोटली उससे विपरीत रहता है, ये अलग रहता है, ये फ्लैट और कॉमन रहता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं रहती है। एक रहता है कॉन्जेनिटल, मतलब 100 में से एक व्यक्ति को जो रहता है, ऐसे कई तिल रहते हैं जिनके शरीर में काफी ज्यादा तिल जो है वो पाए जाते हैं। ये कभी कभार जो रहते हैं थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, कई लोगों का मानना है कि जो बर्थ से रिलेटेड जो ये रहते हैं मोल रहते हैं वो उनका रिस्की नहीं रहता है, सही बात भी है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसा माना गया है, 1 or 2% माना गया है कि जो कॉन्जेनाइटल जो मोल रहते हैं कभी कभार ये कैंसर को भी इन्विटेशन दे देते हैं और मेलानोमा का एक रूप जो है वो ले लेते हैं। एक है डिस्प्लास्टिक मोल, जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये मोर देन 100 अगर आपके शरीर में अगर इस तरीके के तिल अगर हैं, जिसकी जो साइज हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब क्या रहता है
कि जो पेंसिल रहती है, पेंसिल के ऊपर का जो रबर रहता है, जो जैसे हम लोग पेंसिल के जो इरेजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो इरेजर की जो साइज रहती है उस साइज के हिसाब से ऐसे कई सैकड़ों अगर आपके शरीर में अगर हैं और उसकी साइज बढ़ती जा रही है तो वो कैंसर का एक रूप ले सकता है, जिसे हम लोग मिलेनोमा जो है वो कहते हैं। अब एक चीज और है कि अगर आपके जो मोल में है वो उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये कैंसरस है नहीं कैंसरस है, अगर आप कुछ उसे रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस अगर ड्रेस्टिकली अगर हो रहे हैं, एज के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वो अलग बात है, पर कुछ ही समय में मान लीजिए 6-8 महीने में अगर ड्रेस्टिकल चेंजेस हुआ है तो वो हम लोग किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो कुछ चेंजेस है वो हम लोग को समझना है। इसको डिवाइड किया गया है ABCDE में। ए यानी कि असिमेट्रिक, यानी कि जो कुछ मोल जो थे पहले नॉर्मल जो थे हमारे शरीर में, मान लीजिए 8-10 मोल थे, सबका साइज लगभग इक्वल था, लेकिन कुछ मोल जो है उसमें से आधे से ज्यादा मोल का जो साइज है वो चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया है और ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है, अचानक से ज्यादा हो रहा है, तो ये घबराने वाली बात है। दूसरा है कि अगर उनका बॉर्डर, जो मोल का जो ये बॉर्डर रहता है, ये जैसा एक मोल है तो ये जो उसका बॉर्डर है तो वो थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाएगा, फीका हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा, इधर से बड़ा इधर से छोटा, ये ऐसा अलग अलग तरीके से होता हो जाएगा, और ये अचानक अगर हो रहा है तो वो चिंता करने वाली बात है। कलर, मान लीजिए उसका कलर लाइट पिंक था या पिंकिश था या ब्राउन था, वो अचानक से डार्क हो रहा है, अचानक से लाइट हो रहा है और बार बार अपना जो कलर है वो चेंज कर रहा है कुछ ही समय के अंदर, वो घबराने वाली बात है। डी यानी कि डायमीटर, जैसे मैंने पहले बताया जो पेंसिल के ऊपर का जो इरेजर रहता है उस इरेजर की साइज जो है वो लगभग उसे नॉर्मल माना जाता है, और कई लोगों का ये माना गया कि अगर मुंह के साइड मस्से रहते हैं तो वो लकी भी रहते हैं या फिर खुशकिस्मत लोग भी जो रहते हैं, खैर वो अलग बात है। तो वो जो साइज है वो साइज के ज्यादा अगर बढ़ता जा रहा है, वो अगर उस मोल का साइज अगर बार बार बढ़ता जा रहा है तो वो परेशान होने वाली बात है। एक है एलिवेशन और एक है इवोल्यूशन, मतलब जो कॉमन जो है, जो कि फ्लैट जिसे हम लोग कहते हैं कि मोल है, अचानक से उनमें कोई ग्रोथ नजर आ रही है, उनकी साइज बढ़ रही है या फिर जो उभर थोड़ा सा उभार आ रहा है उनके साइज में, तो वो अगर अगर है फ्लैट टू रेज अगर हो रहा है, थोड़ा सा उभार अगर आ रहा है उसमें, तो वो चीज जो है वो घबराने वाली बात है। तो इस कंडीशन में अगर आपको कुछ महसूस होता है तो आपको पहली चीज है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है, तो वो जो है डर्मेटोलॉजिस्ट और खास करके ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो कैंसर में ज्यादातर एक्सपर्टीज है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और आपकी स्किन के ऊपर वो एग्जामिन करते हैं, पूरी तरीके से आपकी स्किन को देखा जाता है, हर एक चीज एग्जामिन की जाती है और फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आपकी बायोप्सी लेना है। बायोप्सी का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर कुछ परेशानी, अगर उनके ओवर ग्रोथ या किसी तरीके का उन्हें डाउट आता है तो वहां का कुछ पोर्शन वो काटते हैं और उसको बायोप्सी मतलब उसे प्रॉपर तरीके से पैक करके लिया जाता है, उसका कट करके उसे स्लाइड में देखा जाता है कि उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कौन से प्रकार के सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो उसे कहा जाता है बायोप्सी। तो बायोप्सी लेने के बाद ये देखा जाएगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है, मिलेनोमा है, या फिर कोई अदर स्किन का कोई प्रॉब्लम है, या कोई स्किन इन्फेक्शन है, या स्किन कैंसर और कोई चीज अगर है, तो वो सब डायग्नोसिस होती है, उस हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये सिंपल वे से मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की जो मोल यानी कि जो तिल रहता है उसका क्या किस तरीके से ग्रोथ रहती है, और उसका अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग उस पर क्या जो है डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट डॉक्टर से कैसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।